बड़ी ना स्कैरी सी जगह है। बुड़ बुड़ ताली कह लो, बुड़ बुड़ लेक कह लो, या बबल लेक कह लो। गुड मॉर्निंग जी, अभी हम ब्रेकफास्ट करके रेडी हो गए हैं और अभी हम निकलने लगे हैं यहाँ से। आज हमारा अब सेकंड लास्ट कह लो, क्योंकि कल हमारा यहाँ से डिपार्चर है दिल्ली के लिए। तो अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं अभी, और अभी हमारा प्लान ऐसा है कुछ, अभी हम निकल रहे हैं नेत्रावली सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए। तो वहाँ पे ना दो स्पॉट्स हैं हमारे घूमने के लिए, एक है सावरी वाटरफॉल और एक द बबल लेक। तो कोशिश है कि 4-5 बजे तक वापस आ जाएं, क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़िद्द कर रहे हैं पूल में नहाने की, कल भी नहा नहीं पाए वो। तो कोशिश रहेगी 4-5 बजे तक वापस आने की। तो मिलते हैं आपको रास्ते में, बने रहिए। आज का ट्रिप जो है ना बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि जो सावरी वाटरफॉल है ना और द बबल लेक बहुत ही सुंदर, एक मतलब साउथ गोवा की एक अट्रैक्शन है वो, बहुत ही सुंदर। तो बने रहिए, बहुत मज़ा आएगा आज। चलो जी, अब हम रेडी हैं निकलने के लिए। हर हर महादेव। लो जी, बारिश अभी रुक गई है, सुबह तो थी बारिश। हमने गूगल मैप लगा लिया, सबसे पहले हम जा रहे हैं द बबल लेक। तो यहाँ से 51 किलोमीटर दूर है, तो गूगल मैप दिखा रहा है 1 घंटा 11 मिनट, तो तकरीबन 10:15 बजे पहुँच जाना चाहिए। अभी 9:05 हो रहे हैं। जस्ट अभी ना हम एंटर किए हैं नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो एकदम ही जो लैंडस्केपिंग है ना बिल्कुल ही बदल गई है। देखिए कितना ब्यूटीफुल है। अभी और भी हमने बबल लेक के लिए ना अभी और भी 20 किलोमीटर जाना है, तो तकरीबन 25 मिनट और लगेंगे हमें। जब से चले हैं ना 3 बार मौसम बदल चुका है। जब चले थे तब बारिश थी, फिर रुक गई, फिर दोबारा बारिश हो गई, अब थोड़ी धूप निकल आई है। और अभी हमें चले हुए ना ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हो चुके हैं, और बीच बीच में ना डर भी लग रहा है कि इतनी दूर जा तो रहे हैं कि वर्थ है भी है जाना कि नहीं। तो होप कर रहे हैं कि पहुंचने के बाद हमारी मतलब वर्थ हो जाना वहाँ पे। तो पहले हम बबल लेक जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे सावरी वाटरफॉल्स। और रास्ता तो नो डाउट बहुत ब्यूटीफुल है, थोड़ी नैरो रोड्स हैं, बट खूबसूरत बहुत है रास्ता। और अभी हम रेनी सीजन में है ना, तो बिल्कुल लश ग्रीन रोड्स हैं, साइड में इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत ही मतलब सुंदर है। सबको दिखाते हैं अभी। अभी ना हम थोड़े मतलब हाइट पे भी आ गए हैं, क्योंकि ये जो वाटरफॉल्स हैं माउंटेन्स में है, हिली एरिया में है, तो अभी हम थोड़ी हाइट हमने अचीव कर भी ली है। अभी देखिए, अभी धूप थी और अभी धूप के अंदर फिर से बारिश शुरू हो गई है। हर 10 मिनट में एक नया मौसम आ रहा है। इतना बढ़िया मौसम है, देखो सारे गाड़ी में सो रहे हैं, सिर्फ हम दोनों जाग रहे हैं, बाकी सारी गाड़ी सो रही है। देखिए ये देखिए गोअन गाय, ऐसे होते हैं यूरोपियन गाय, ये है गोअन गाय। चलो अभी रास्ता 5 किलोमीटर का और है, अभी 8 से 9 मिनट और लगेंगे। अभी देखिए अभी थोड़ी थोड़ी बारिश और साथ में धूप, बट ये ना मौसम ख़राब करता है, इसे थोड़ा ह्यूमिडिटी हो जाती है। बट रास्ता इतना सुंदर है, मज़ा आ रहा है गाड़ी चला के। है नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम, तो जो हम जिस जगह पे हम जा रहे हैं ना वो उसको मतलब बुड़बुड़ लेक के नाम से यहाँ पे फेमस है। तो
अगर आप उसको इंग्लिश में ढूंढेंगे गूगल पे तो वो बबल लेक के नाम से आपको मिलेगी, बुडबुड लेक या बबल लेक। तो देखिए अभी मौसम बिल्कुल साफ हो गया, अभी ऑलमोस्ट चलो अच्छा है, हमें घूमने को मिलेगा, मौसम साफ होगा तो अच्छे से घूम पाएंगे हम। देखिए फिर आ गया ये गुवंगराय का एक ग्रुप, रास्ता इतना बढ़िया है ना, बहुत मजा आ रहा है हमें इस रास्ते पे जाने का। In 500 meters, your destination will be on the left. इस रोड से हम आए थे और वहाँ हमने गाड़ी पार्क कर दी है और अभी हम पहुँच गए हैं बुड़बुड़ ताली, तो आप इसको बबल लेक भी कह सकते हैं। तो ये एक ये कोई ये एंट्रेंस है, ये अभी है बंद, तो अभी एंट्री है उधर से। तो ये बुड़बुड़ ताली है या बुड़बुड़ ताली है तो देखेंगे कि आप ताली बजा के भी कुछ बबल्स बनते हो। तो बिल्कुल ना ये ऑफ बीट प्लेस है, तो यहाँ पे हमारे अलावा और कोई भी नहीं है। तो ये इसकी मेन एंट्रेंस आ गई। ये देखिए बिल्कुल ही मतलब खाली सी जगह है, बीच में एक ये मंदिर है, मंदिर जैसे कुछ लग रहा है, श्री गोपीनाथ देवस्थान नेत्रावली। ये नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये सारी। यहाँ पे कोई मतलब केयर टेकर या कोई अटेंडेंट भी नहीं दिख रहा हमें कोई। ये कोई मंदिर ही लग रहा है, लिखा है ना प्लीज कीप साइलेंस, और इधर लिखा है प्लीज कीप चप्पल जो है, तो ये कोई मंदिर ही है ये कोई। ये इधर इनका कोई कमेटी ऑफिस है और ये है बबल लेक। अगर आप थोड़ा ध्यान दे पाए ना तो देखिए बीच में से ना अपने आप बबल्स बन के आ रहे हैं। हम उस साइड से चलते हैं, यहाँ से ना थोड़ी शेडो दिख रही है। इधर से देखिए थोड़ा, वो देखिए वहां पे कुछ ना अंदर शायद कोई मिनरल्स या कुछ सल्फर शायद या कुछ ऐसा कुछ अंदर से निकलता है जिसके वो एमिशन से वो बबल्स बनते हैं। वहां से देखिए उस तरफ देखिए आप, तो यहाँ कोशिश की जा रही है कि इन्होंने कहीं सुना था कि ताली बजाने से ना अंदर से कोई आवाज़ निकलती है और बबल्स भी बनते हैं, तो वो कोशिश की जा रही है। एक बार जोर से बजाइए ताली, हाँ तो ताली बजाने से भी इनका मानना है कि बबल्स की थोड़ी फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है, तो ताली बजाने से ना कुछ वाइब्रेशंस बन रही हैं। देखिए कितने हम एक बार दूसरी तरफ से भी चलते हैं ताकि रिफ्लेक्शन थोड़ी सी कम हो और हमें और अच्छे से देख पाए। हाँ यहाँ से थोड़ा सा व्यू बेटर आएगा। देख पा रहे हैं आप यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे बड़ी ना स्कैरी सी जगह है
मानसून के कारण ना सब जगह एक तो एलगी है और ऊपर से सारे ये कोई इतनी ज़्यादा मेंटेन्ड भी नहीं है जगह, तो काफ़ी डरावनी सी जगह है ये। यू भी इधर आ जाओ, उधर मत जाओ, अकेले आओ। देखिए बबल्स आप देख पा रहे हैं, तो ये देखिए तो ये एक नज़ारा है यहाँ का। बुड़बुड़ ताली कह लो, बुड़बुड़ लेक कह लो, या बबल लेक कह लो। तो हमें जो कोलवा बीच से टाइम लगा, यहाँ से तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया हमें यहाँ पहुँचने में। बट ये लेक हमें ठीक है, अच्छी लगी, बट यहाँ हमें आने का रास्ता था ना जो, वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे आने का। इतनी ब्यूटीफुल रोड्स थी, नैरो बट बहुत अच्छी मेंटेन्ड है रोड्स, बहुत सुंदर रास्ता है। वो देखिए कितना सुंदर बबल नीचे से आ रहे हैं अभी, वो देखिए वहाँ पे। तो यहाँ से आगे आएंगे ना तो नीचे जाने का भी आपको मतलब रास्ता है, तो थोड़ा नज़दीक जाके देखते हैं इसको। पानी इतना ज़्यादा साफ़ है बिल्कुल ना, इसकी जो डेप्थ है ज़्यादा से ज़्यादा ये 4 फीट इसकी मतलब डेप्थ होगी, काफ़ी क्रिस्टल क्लियर पानी है। वो देखिए वहाँ से बबल्स कैसे निकल रहे हैं। कैसी नेचर है ना, अंदर से मतलब नीचे से बबल्स बन के बाहर आ रहे हैं। बस अभी हम यहाँ से फ्री होके ना अभी जा रहे हैं सावरी वाटरफॉल। और दिक्कत यहाँ पे हमें ये आ रही है कि यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं है, तो हमने ना मैप्स भी डाउनलोड नहीं करे, तो हम अभी थोड़ा सा पीछे जाएंगे, थोड़ी सी इंटरनेट की कनेक्टिविटी लेके ना पहले तो मैप्स डाउनलोड करेंगे। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं ना तो मेक श्योर सारे मैप्स आप डाउनलोड करके आना, क्योंकि यहाँ पर नेट की कनेक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो है। तो अभी हमें सबसे पहले नेट ढूँढना है ताकि हम मैप्स डाउनलोड करें। तो अभी हम निकलने लगे हैं यहाँ से। ये सामने जो गेट है ना, ये है आपका सावरी वाटरफॉल, यहाँ से एंट्री मिलेगी आपको। तो सामने यह है टिकट काउंटर।